परमेश्वर आपकी स्तुति हो, महिमा हो सुंदर से सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए जो मसीह भाई बहन प्रार्थना को कर रहे हैं और सुन रहे हैं और आपको धन्यवाद कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा, आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर, धरती आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं। और सारी मानव जाति को पिता परमेश्वर आपने बनाया और हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर जीवन और श्वास आपने दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इस सुंदर से सुबह के लिए आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं और अनेक प्रकार की महामारियां जो इस संसार में चल रही हैं, पिता धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन में आप पिता आशीष देंगे और हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी सुरक्षित रखेंगे। आज उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो पिता, आज आपने हमें नया जीवन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जो मेरा आपने दिया है पिता परमेश्वर मेरे जीवन में और एक नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता। और आज के दिन जो मेरे सारे कार्य हैं पिता, आपके नाम से हर एक कार्य को पिता परमेश्वर मैं सफल करता हूँ। हर एक कार्यों को पिता आपके नाम से मैं सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हे मेरे उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर और खुदावंद, आपने हर एक मसीह भाई बहन के परिवार को और अपने आप को और पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन को, लोगों को पिता आपके चरणों में सौंपा है पिता। धन्य पिता परमेश्वर कि आप उनके जीवन को सुरक्षित रखेंगे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें देंगे, हर प्रकार उनको शांति देंगे पिता परमेश्वर। हर परिवार में पिता आप उनके शांति देंगे, हमारे आस पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस के देशों में पिता परमेश्वर, और जो अनेक प्रकार की महामारियां चल रही पिता खुदावर के सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यदि हर प्रकार की बीमारियों से हम प्रार्थना करते हैं पिता, तो आज उनको चंगाई भी आप देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमको अपना बेटा बनाया है पिता परमेश्वर। हम आपको खुदा मानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे माता पिता, आप मेरे सब कुछ हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए जो आर्यक मसीह भाई बहन आपका प्रार्थना करता है, आपसे विनती करता है, आपसे निवेदन करता है पिता, आप उनके जीवन को छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो आज संसार में महामारिया के नाम से पिता परमेश्वर, बहुत सारे वायरस के नाम से पिता परमेश्वर फैला हुआ है पिता, यीशु मसीह के नाम से जो कोरोना नाम का एक वायरस है पिता परमेश्वर, जो पूरे दुनिया में आतंक मचा के रखा हुआ है पिता परमेश्वर, हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन के पिता परमेश्वर विरुद्ध लोग गए हैं पिता। इसके लिए हम माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें आप सुरक्षा देंगे, इसके लिए आपका वचन कहता है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 91 पिता परमेश्वर, जब हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमें किसी प्रकार की कोई हानि, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला, और मेरे परिवार में जो सदस्य हैं, लोग हैं पिता, आप उनको संभाले हैं और उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देते हैं। इसके लिए आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता। हे मेरे परमेश्वर, आपने जो भी आपने हमसे वादा किया, हमारे पूर्वजों से वादा किया पिता परमेश्वर, दाऊद से और अब्राहम से पिता परमेश्वर, बहुत सारे राजा, बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपने पिता परमेश्वर उनसे वादा किया है कि मैं तेरी प्रजा को, तेरी राज्य को ऐसा बढ़ाऊंगा और इसे संसार में कोई उसे गिन नहीं पाएगा। वो आज सच है पिता परमेश्वर की संसार के व्यक्तियों को नहीं गिना जा सकता है। इसके लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन आपने जो हमसे वादा किया है आज पिता परमेश्वर, हमें आप तो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी एक नया जीवन, नई सोच, नई उमंग, नई सोच देते हैं पिता परमेश्वर। हमें हर पल हमारी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए हम आपका वचन जब पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, एक ज्ञान में लिखा है, जो परम प्रधान के छावी स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। धन्य पिता परमेश्वर के आपको वचन कहता है, जो परम प्रधान के, जो परमेश्वर के राज्य में बैठा रहे, उसके छाया में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। धन्य पिता परमेश्वर के आप सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आपको किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार के हर एक मसीह भाई भाई के जीवन को पिता परमेश्वर आप बदलने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने वाले हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। हर प्रकार की समस्याओं को मिटाने वाले पिता आप हैं। हर प्रकार की जो संसार में अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के वायरस है पिता परमेश्वर, आप उन्हें बचाने वाले हैं।
इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके इस छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपका वचन कहता है पिता, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमें हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, हर प्रकार की बीमारियां से, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, सूक्ष्म रोगाणु हो पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के वायरस हो पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे ठीक करे परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जो आपके बेटे और बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई महामारी का कोई असर नहीं पड़ेगा पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया का असर नहीं पड़ेगा, उसी तरीके वो खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे पिता परमेश्वर, और भागेंगे, अपने कार्य को करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके संतान हैं, आपके बेटे बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, तमाम प्रकार के क्लेश से, मुसीबत से आप उन्हें हर पल, हर समय, हर घड़ी सुरक्षित रखते हैं पिता परमेश्वर, एक एक पल के लिए उनकी आप रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि मैं, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं यहोवा के विषय में गाऊंगा और कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वही मेरा परमेश्वर है, वही मुझे बचाने वाला, वही मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला, मेरा एक ही शरण स्थान है, वो है मेरा परमेश्वर, वो है मेरा यहोवा, वो है मेरा परम प्रधान। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वह मेरा परमेश्वर है, उस पर मैं पिता परमेश्वर विश्वास और भरोसा रखूंगा, जिसने मुझे जीवन और सांस दिया और मेरे समाज को, मेरे घर को, मेरे देश को, मेरे संसार को बनाया है, जिसने बनाया है उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपने हर एक मसीह भाई बहन पर पिता परमेश्वर, आपको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, परमेश्वर आप पर जिसने भरोसा रखा है उसका जीवन आपने बदला है, आप पर जिसने भरोसा रखा है पिता परमेश्वर उसके जीवन को आप इस तरीके से इतनी ऊंचाइयों तक ले गए हैं पिता परमेश्वर, उसे हर प्रकार की दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, बुराइयों से, पैसे से, तंगी से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दुख से, तकलीफ से आपने बचा करके रखा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर से सुबह के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और किसी प्रकार का उनके अंदर मन में डर है पिता परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त दूर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर, महिमा, सम्मान करते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आदि में परमेश्वर आपने हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर, और आज भी हमारी रक्षा करेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आप हमें हर प्रकार की पहेलिए के जाल से बचा करके रखेंगे, महामारी से बचा करके रखेंगे पिता परमेश्वर, संसार में है पिता परमेश्वर, इस समय उपलब्ध है पिता परमेश्वर। एक डेढ़ महीने से पिता परमेश्वर पूरा संसार अंधकार में छाया हुआ नजर आ रहा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं इससे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपका वचन भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर आपने कहा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। धन्य पिता परमेश्वर की आपका वचन कहता है और हमें हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाएगा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की महामारी उनके जीवन से, उन संसार से, हमारे इस देश से पिता परमेश्वर, और जो भी लोग इससे पीड़ित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप बचाने जा रहे हैं पिता, हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार से दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से उन्हें बचाने जा रहे हैं। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, उद्धारकर्ता, जीवन और सांस देने वाले, धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को हमारे सामने रखा। इसीलिए पिता परमेश्वर आप हर प्रकार की महामारियां, हर प्रकार की जो पहली संसार का जो जाल है पिता परमेश्वर, उसे बचा करके रखेंगे। किसी प्रकार का बैक्टीरिया क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम तो नहीं जानते कौन सा बैक्टीरिया कौन है, लेकिन पिता आप तो हर एक चीजों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है, आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को बनाने वाले पिता परमेश्वर आप हैं, जो संसार में उपलब्ध है पिता परमेश्वर सब आपका बनाया हुआ है पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की चाहे बीमारी हो, चाहे रोगाणु हो, चाहे विषाणु हो, अनेक प्रकार की निर्बलताएं क्यों ना हो, वो सब आपकी रचना की हुई पिता परमेश्वर। आपके द्वारा इस संसार में कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
धन्य है पिता परमेश्वर कि सब आपके हाथों की रचना की हुई है। पिता परमेश्वर आकाश आपके हाथों का बनाया हुआ है, धरती आपके हाथों की रचना की हुई है। पिता परमेश्वर स्वर्ग आपका बनाया हुआ है पिता परमेश्वर, और संसार में जो भी कुछ है पिता आपने बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज अगर हम बोल पा रहे हैं पिता सब आपकी दया से पिता परमेश्वर, अगर हम श्वास ले पा रहे हैं पिता आपकी दया से पिता परमेश्वर, अगर हम अपने हाथों को पैरों को चला पा रहे हैं, कुछ कार्य कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, दूसरों को देख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं पिता, ये सब आपकी दया है पिता परमेश्वर। मैं धन्य कहता हूँ कि मेरा यहोवा परमेश्वर है, वो मेरा राजा है, वो मेरा सर्वशक्तिमान है, वो मेरा परम प्रधान है पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहन का जीवन आपको धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर कि आपने उसे नया जीवन दिया, नई श्वास दी, नई ऊर्जा, नई उमंग दी। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपका वचन कहता है जब हम 4-5 में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस मरी से और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी में उड़ा करती है। धन्य पिता परमेश्वर की आपका वचन कहता है कि हम किसी प्रकार के भय से ना डरेंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो, अनेक प्रकार के दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर जब हम 6 पढ़ते हैं, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उछाड़ता है। धन्य पिता परमेश्वर के इस समय जो महारोग के नाम से पिता परमेश्वर, महामारी के नाम से पिता परमेश्वर, महारोग से पिता परमेश्वर, महामारी से पिता परमेश्वर, किसी भी नाम से जाना जाता है पिता परमेश्वर, वो पिता आप उसे ठीक करेंगे, उसे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की जड़ से मिटा देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चाहे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार की कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम आपका विश्वास और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप बचाने वाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, हम आपको हर एक मसीह भाई बहन आपसे मुझसे पिता परमेश्वर धन्य कहता है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का सोच है, विचार है, समझ है, असमझ है पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तमाम प्रकार के नकारात्मक विचारों को ठीक कीजिए और सबको दूर कीजिए पिता परमेश्वर। इस संसार में जो क्लेश चल रहा है, इस समय दुख चल रहा है, मुसीबत चल रही है, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं पिता आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर आपके वचन को पढ़ते हैं, जब 7 में लिखा है, 91 के 7 में लिखा है, तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास कभी ना आएगा जब हम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। धन्य पिता परमेश्वर जो इस संसार में मरी फैली हुए पिता परमेश्वर, महारोग पिता परमेश्वर, महामारी आई हुए पिता परमेश्वर की आपका वचन कहता है, तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 लाख करोड़ बहुत सारी गिनती में गिरेंगे, लेकिन कभी भी तुझे टच नहीं करेंगे। इसके लिए हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रुकाड़ों, पिसाड़ों, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की जो भी हमारे लाइफ में जीवन में है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। किसी के जीवन में जॉब की जरूरत है पिता, उसे नौकरी की जरूरत है, उसे नौकरी दीजिए पिता परमेश्वर। किसी के जीवन की सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन की रक्षा आप करने वाले हैं पिता। उनके बेटे और बेटियां जो भी हैं उस संसार में पिता, सांसारिक तरीके से जो भी उनके बेटे और बेटियां, भाई और बहन, माता पिता भाई जो भी हैं उनके जीवन में, उनको आप सुरक्षित वाले हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और आपका वचन कहता है कि तेरे पास वो कभी ना गिरेंगे और तेरे पास किसी प्रकार की कोई हानि ना होगी, ना प्रॉब्लम होगी। धन्य पिता कि आपका वचन कहता है जब हम पढ़ते हैं 8 में लिखा है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करके और दुष्टों का अंत को देखेगा। धन्य पिता परमेश्वर कि आप हमारे ही सामने पिता परमेश्वर इस संसार की जो भी बीमारियां हैं, दुख है, क्लेश है, मुसीबत है, उसे आप ठीक करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हे मेरे राजा, उद्धारकर्ता और जीवन और सांस देने वाले। आज हर एक मसीह भाई आपको धन्यवाद करता है, आपसे प्रार्थना करता है, विनती करता है पिता परमेश्वर, और अपने मुंह से पिता परमेश्वर धन्यवाद करता है, उसे आप जीवन से हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके रखेंगे। धन्य मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और सांस देने वाले पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जब 9 में पढ़ते हैं, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। मानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे शरण स्थान है, आप ही हमारे धाम है, आप ही हमारे सब कुछ है पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन आपको स्वीकार करता है और आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, विनती करता है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को हर प्रकार की बुराइयों
से, हर प्रकार से दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से बचा करके रखेंगे पिता परमेश्वर। इसलिए जब दस में पढ़ते हैं कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि कहीं भी कहीं तू जाए, जहाँ कहीं भी तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे, तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान और अजगर को लतेड़ेगा। परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी समझ देते हैं कि हमें हर प्रकार की बुराइयों से लड़ने की हमारे अंदर ऊर्जा और ताकत और क्षमता आती है। धन्य मेरे परमेश्वर है मेरे यहोवा कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न आएगी। परमेश्वर आपको वचन कहता है पिता परमेश्वर, के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। कोई भी दुख तेरे निकट नहीं आएगा, तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। धन्य पिता परमेश्वर की जहाँ पर हम बैठे हैं, जिस घर में है पिता परमेश्वर, वहाँ के आसपास लोगों को पिता परमेश्वर ठीक कीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए पिता परमेश्वर, कि वो भी प्रार्थना करे। आज इस संसार में प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है पिता। हम मिल करके हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर 10,000, 25,000, 50,000 जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आज उनके जीवन को पिता परमेश्वर बदल लीजिए पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज उनके जीवन को आप बदलने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए आपको वचन कहता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना दुख तेरे डेरे के कोई भी किसी प्रकार के निकट आपके पास आएगा। धन्य पिता परमेश्वर की जहाँ पर हम उपलब्ध हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं पिता परमेश्वर, वहीं पर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के दुख से पिता परमेश्वर बचाने जा रहे हैं। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जहाँ कहीं तू जाए परमेश्वर हमारी आप रक्षा करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। अगर किसी प्रकार से हम गिरते भी हैं तो आपके स्वर्गदूत, आपका बेटा हमें संभालता है। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर, महिमा, सम्मान करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जो आपने एक नया जीवन हमारे जीवन में दिया ही है पिता परमेश्वर, तो हम आप इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जो मेरे जीवन में कार्य है पिता, आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर वो कार्य को पिता मैं सफल करता हूँ परमेश्वर। खुदावंद, आपने मेरे परिवार को और मैं अपने आप को, अपने परिवार को पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार से दुख से, तकलीफ से आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप हमारे परिवार में और मुझे और मेरे संसार में जो लोग मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनको आप शांति देंगे पिता परमेश्वर। हमारे आस पड़ोस में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं प्रार्थना को और जो नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना और विनती, आपको नहीं भी जानते, उनको भी आप आशीष दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे परमेश्वर यहोवा, आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें हर प्रकार के क्लेश से, दुख से, मुसीबत से बचा करके रखेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अकाल में संभाला, आपने हर प्रकार की के दिन में संभाला, हर प्रकार के घमंड के रास्ते से निकाल करके बाहर रखा पिता परमेश्वर। हर बीते हुए समय पिता आपने संभाला, हर वर्ष में आपने नया जीवन, नई श्वास, नई उमंग, हमारी हर वर्ष पिता परमेश्वर एक वायु बढ़ाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो हमें दिन दिए हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। जो भी हमारे जीवन में कार्य हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए वचन आपका कहता है पिता, आपने हमसे प्रेम किया है और पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको वचन कहता है, जब हम 14 पढ़ते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मुझसे प्रेम किया, मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कब क्यों ना पड़ा हो, हर एक मसीह भाई भाई के जीवन को परमेश्वर आज बचाने जा रहे हैं। उसके जीवन के पिता परमेश्वर आप बचाएंगे। धन्य पिता परमेश्वर के आपके नाम को हम ऊंचे स्थान पर
में रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके नाम को हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर यहोवा है, इस धरती को आकाश को बनाने वाला पिता, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके रखेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारी हर प्रार्थना का उत्तर आप देते हैं, ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं, हर प्रकार के संकट से बचाते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और सांस देने वाले पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान के जो छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। धन्य पिता परमेश्वर की माँ से विनती और प्रार्थना करते हैं, आज हर प्रकार के विचारों को, हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ से जुड़ी हो, पैसे की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, किसी की प्रॉब्लम में, अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति पीड़ित है पिता परमेश्वर, बीमार है, तो आज उसके जीवन में इतना अच्छा कार्य करिए पिता परमेश्वर कि आपकी गवाही दे पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर के आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, जो आपके वीडियो मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आप बदलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हम पर दया की है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमको चुना है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके बेटे और बेटियां हैं, आप हमसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हर प्रकार के पिता परमेश्वर मानसिक तनाव को ठीक कीजिए, हर प्रकार की बुराइयों को ठीक कीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, और अच्छा सुनने को मिले पिता परमेश्वर, हर एक मसीह इनको अच्छा देखने को उनको मिला पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की जो बुराइयां सुनने को मिलती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जला दीजिए पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आप हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे सहायता करने वाले, आप हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें आप बुद्धि और ज्ञान और समझ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्य पिता परमेश्वर के आपके वचन पर हम विश्वास और भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान की छाया में पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां बैठे हैं, धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। अगर किसी स्थान में कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, किसी प्रकार की समस्याएं हैं, उस स्थान पर रखिए और उस स्थान पर हाथ रखने के बाद परमेश्वर को आज्ञा दीजिए और धन्यवाद कीजिए और बीमारी को आज्ञा दीजिए और निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आप जब बीमार हैं तो जरूर ऐसी प्रार्थना को ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के उलझन, हर प्रकार की समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो मसीह है जहां पर हाथ रखा हुआ है पिता उसे ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। इसी वक्त पिता परमेश्वर अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के दुख, तकलीफ, मुसीबत और बीमारियां से दूर करें उन्हें पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता, जीवन और सांस देने वाले पिता परमेश्वर, धन्य पिता परमेश्वर के आप उन्हें संभालेंगे, ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा उद्धारकर्ता, उनके तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के संक्रमण, बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ पिता। आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देता है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, उसके पवित्र नाम से, उसके पवित्र लहू से प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर। शत्रु हो या दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं हो जो पिता परमेश्वर दूर हो जाए पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई समस्या उनके जीवन में, उनकी लाइफ में ना हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करें। जो व्यक्ति बीमार है, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर कर रहा है पिता, इस मसीह के नाम से उसे ठीक कीजिए। तमाम प्रकार की बीमारियों से आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालते हैं और हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तमाम तरह की दुर्घटनाओं के प्रभाव से पिता परमेश्वर बचाते हैं पिता परमेश्वर, और दुष्ट प्रभावों से हमें ठीक करते हैं पिता परमेश्वर। उनकी टूटी हुई हड्डियों को ठीक करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार के नसों के दूर करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुराइयों से उन्हें दूर करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें दूर करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। आप उन्हें सुरक्षित रखते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर, महिमा, सम्मान केवल प्रभु आपको मिले। आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। आपको आदर केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिले। आपको हम धन्य कहते हैं कि मेरे
परमेश्वर आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ और नया जीवन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहन आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज्ञा देता है। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, वो किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो पिता, दूर कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। अभी से वक्त निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा किया। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर कि हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को आपने आजाद कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे पिता परमेश्वर। धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपने जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमारे सामने रखा, और जो भी वचन हुआ पिता परमेश्वर मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।